विधानसभा लोहरदगा एसटी। लोहरदगा विधानसभा सीट झारखंड की हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि इसी सीट से कैबिनेट मंत्री रामेश्वर उरांव चुनाव लड़ रहे हैं। 2005 में कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत ने जीत हासिल की थी। वहीं 2009 और 2014 के चुनाव में आजसू उम्मीदवार कमल किशोर भगत ने विरोधियों को मात दे दी थी। हालांकि विधायक कमल किशोर के आकस्मिक निधन के बाद ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी। 2019 में इस सीट पर कांग्रेस के सीनियर लीडर रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा सीट पर जीत हासिल की थी। इस बार भी कांग्रेस ने रामेश्वर उरांव को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं आजसू और बीजेपी ने मिलकर नीरू शांति भगत की किस्मत पर भरोसा जताया है। इस बार बीजेपी और आजसू के मिलकर चुनाव लड़ने से रामेश्वर उरांव संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं 2019 के चुनाव में लोहरदगा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार रामेश्वर उरांव ने जीत हासिल की थी। रामेश्वर उरांव 74,380 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो बीजेपी कैंडिडेट सुखदेव भगत 44,230 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं आजसू उम्मीदवार नीरू शांति भगत 39,916 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में लोहरदगा सीट पर आजसू के कमल किशोर भगत ने दूसरी बार जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी सुखदेव भगत को 592 वोट से हराया। आजसू के कमल किशोर भगत को 56,900 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के सुखदेव भगत को 56,328 वोट मिले, जबकि तीसरे नंबर पर जेएमएम के सुखदेव उरांव रहे, उन्हें 13,510 वोट मिले। वहीं 2009 के विधानसभा चुनाव में लोहरदगा सीट पर आजसू के कमल किशोर भगत ने पहली बार जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी सुखदेव भगत को 606 वोटों से हराया। आजसू के कमल किशोर भगत को 35,816 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के सुखदेव भगत को 35,210 वोट मिले, जबकि तीसरे नंबर पर बीजेपी के साधनु भगत रहे, उन्हें 28,949 वोट मिले। दो हजार 2019 के चुनाव में लोहरदगा सीट पर आजसू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। इसका सीधा फायदा तब कांग्रेस उम्मीदवार रामेश्वर उरांव को मिला था, लेकिन इस बार बीजेपी और आजसू के संयुक्त उम्मीदवार नीरू शांति भगत का दावा ज्यादा मजबूत लग रहा है, क्योंकि 2019 के चुनाव में अगर बीजेपी और आजसू को मिले वोट को मिला दें तो वो कांग्रेस को मिले वोट से ज्यादा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।